सिंक्रोनाइज शब्द को यूज करना मैं बाद में सिखाऊंगा, राइट right? अब लिखते हुए कई बार मैं आपकी स्पेलिंग चेक कर रही, जब स्पेलिंग पढ़ाऊंगा कुछ कुछ शब्दों की स्पेलिंग में गलत लिखूंगा जानबूझकर, और देखूंगा आप में से कितने लोग जज कर सकते हैं। ऑलराइट, नंबर सेवन, तो कुछ लोगों के लिए जीवन कांटों की सेज है और कुछ लोगों के लिए जीवन फूलों की सेज है। फूलों की सेज को हम अंग्रेजी में कहते हैं बेड ऑफ रोजेस। क्या बोलते हैं? आप लोग भी जो मुझे टीवी के स्क्रीन पर देख रहे हैं या कंप्यूटर के मॉनिटर पर देख रहे हैं, आप लोग भी मेरी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ साथ बोलिए ए बेड ऑफ थॉर्न्स, ए बेड ऑफ रोजेज। आप घर बैठे बैठे अंग्रेजी सीख जाएंगे। नाउ, अब मैंने दिया, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, आई एम नॉट ए स्टूडेंट। तो बात हो रही थी कि कईयों के लिए जीवन फूलों की सेज है, कईयों के लिए जीवन कांटों की सेज है। लेकिन जीवन की अलग अलग परिभाषाएं हैं। कोई मुझसे पूछता है जीवन क्या है, मैं पूछता हूं जीवन, मैं उसका उत्तर क्या देता हूं? जीवन कुछ नहीं है, जीवन प्रश्न और उत्तर है। क्या है जीवन? प्रश्न और उत्तर। लाइफ इज नथिंग बट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आप क्या करते हो जीवन के अंदर? जब भी कोई मिलता है, एक आदमी क्वेश्चन करता है, दूसरा उत्तर देता। एक आदमी क्वेश्चन करता और दूसरा उत्तर देता। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मिला, और भाई क्या हाल है, ठीक है यार, क्या कर रहा है तू आजकल? वो जवाब देता है, अरे अच्छा उस दिन क्या हुआ, जब वो सड़क पे मिला तेरा झगड़ा हो रहा था, तो वो स्टोरी सुनाना शुरू कर देता। एक प्रश्न करता और दूसरा उत्तर देता, आंसर देता। वन क्वेश्चन एंड द अदर आंसर्स। अब आप घर गए, मम्मी कहती है अरे क्लास से आ गई, अब आ गई है नजर भी आ रहा है, आ गई तो फिर भी बोलती आ गई। आप बोलते हाँ मम्मी आ गई हूँ, क्या पढ़ा? आप उत्तर देना शुरू कर देते हो। तो आगे चलकर आपको बैड हैबिट्स भी बताऊंगा। पहले मैं इसको बैड इंडियन हैबिट्स बोलता था, लेकिन जब मैंने पूरे विश्व का दौरा किया, मैं अमेरिका गया, कनाडा गया, न्यूजीलैंड गया, ऑस्ट्रेलिया गया, कनाडा में एक जगह नोवास्कोशिया, वहाँ गया, मॉन्ट्रियल गया, टोरंटो, आई मीन भिन्न भिन्न जगह पर गया मैं, तो मैंने क्या देखा कि पूरे विश्व में मानवीय स्वभाव कुछ बातों को छोड़कर एक जैसा। तो पहले मैं जिसको बैड इंडियन हैबिट कहता था, तो मैंने कहना शुरू कर दिया बैड हैबिट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम सब इंसानों में कुछ ना कुछ बैड हैबिट्स है, वो बैड हैबिट्स भी आपको आगे चलकर मैं पढ़ाऊंगा। राइट, तो अब अगला यहां से बात शुरू हुई थी कि जीवन जब क्वेश्चन और आंसर है तो हमें क्वेश्चन करने आने चाहिए। अब मैं यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब आप देखो क्वेश्चन बनाने की टेक्निक, ये भास्कर स्कूल की अनूठी टेक्निक है, और ये प्रश्न बनाने का जो तरीका है इसको एक अनपढ़ आदमी भी सीख सकता है। लोगों ने ऐसी हवा क्रिएट कर दिया, लेकिन जब अंग्रेजी भाषा के आप विद्वान बन जाएं तो दूसरे पर अकड़ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। राइट, दसवां वाक्य मैं दे रहा हूँ, क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ? तो आप मेरे, जब तक मैं लिखना हूँ आप बोलेंगे क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं? बस यहां प्रश्न बना क्या से। अब जब भी कभी प्रश्न क्या से बने, तो यह मैं आपसे पूछूंगा प्रश्न किससे बना, आप बोलेंगे क्या से। लेकिन जब क्या से बोलेंगे तो क्या से बोलते हुए आप हाथ ऐसे करेंगे। अब ऐसे क्यों करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मेरी एक छोटी बहन है, आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहती है, मेलबर्न में, उसका नाम किरण है। तो जब वो हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई, तो मैंने उसे कहा किरण एक गिलास पानी लाओ, तो घर में मुझे बाबू कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कहने अच्छा बाबू ला रही हूं, चली गई। फिर दोबारा मेरे माता किरण पानी ले आओ, अच्छा बाबू ला रही हूँ, फिर भूल गई। तीसरी बार किरण पानी ले आओ, सुना ही नहीं। मैंने जोर की बात किरण हाँ बाबू, अरे पानी लो, ओहो भूल गई भूल गई। फिर पानी लेके आई, जैसे वो पानी लाई मेरे एकदम हाथ में, मतलब अचानक निकला, मैं क्या यार चार चार बार कहना पड़ता है एक गिलास पानी के लिए, तो क्या पे हाथ कैसे घुमा मेरा, क्या यार। तो यहाँ मैं बोलूँगा प्रश्न किससे बना,
तो आप तीन बार ऐसे बोलेंगे क्या से क्या से क्या से, तो बोलिए तो प्रश्न किससे बना, राइट, तो बोलिए मेरे साथ क्या से 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 क्या से, ब्यूटीफुल। चलिए यहाँ प्रश्न बना क्या से, प्रश्न किससे बना क्या से। जब भी कभी, अब देखिए ये हमारा एक अनूठा तरीका है पढ़ाने का, मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, किसको आगे लाना है, किसको पीछे लाना है, देसी मेथड से बताएं, ठीक है, देसी मेथड से आपको पढ़ाएं। यहां प्रश्न क्या से बना, जिस शब्द से प्रश्न बनता है उस शब्द को अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब होता है प्रश्न वाला शब्द। अब इंट्रोगेटिव शब्द को, इंट्रोगेटिव वर्ड को मैं छुपा देता हूं। ये देखिए, ये तरीका जब मैंने निकाला तो बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर टीचर्स इसको कॉपी करने लगे। हमारे यहां भास्कर स्कूल में आठवीं पास बच्चे भी आते हैं, दसवीं वाले बच्चे भी आते हैं, ग्रेजुएट्स भी आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी पढ़ने आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स, उनको भी अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ती है। अंग्रेजी उनको समझ तो आती है, पढ़ तो वो लेते हैं, लेकिन बोलने में कई बार उनको कठिनाई आती है, तो बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अभी ये छोटी सी प्रैक्टिस ही काफ़ी है कि आप क्लास के अंदर मेरे साथ बोल रहे हैं, और ठीक 15 दिन के बाद हम अलग अलग से आपको बुलवाना शुरू करेंगे। तो प्रश्न यहाँ क्या से बना, इसको इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड, डब्ल्यू वर्ड, बोलिए इंट्रोगेटिव वर्ड। इसको छुपा दिया, इंट्रोगेटिव शब्द को छुपा दिया। अब क्या बचा, मैं नहीं। अब आप देखो, मैं एक विद्यार्थी नंबर 9 और ये छुपाने से नंबर 10 एक ही हो गया। Yes, इसी अंग्रेजी क्या हुई, I am not a student. अब देखिए, जब मैंने ये लिखा, इसको छुपाया, मैं एक विद्यार्थी थी नंबर 9, ये देखिए नंबर 9 आई एम नॉट ए स्टूडेंट और नंबर 10 एक ही है। Yes, sir. अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बनता है, किससे बनता है, क्या से। जब भी कभी प्रश्न क्या से बने, दुनिया में जब भी किसी भी टेंस का वाक्य क्या से बने, आप क्या वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का, वाक्य के पहला हेल्पिंग वर्ब उठाइए, एम यहां लिखा था मैंने उठा लिया। Yes, और उसे बाहर लिख दीजिए, जब हम बाहर लिखेंगे तो एम का ए कैपिटल हो जाएगा। Yes, बड़ा हो जाएगा, कैपिटल माने बड़ा, राइट, बड़ा लेटर। या क्या की जगह से हमेशा एम का यूज होगा? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बैठिए, लेट्स वेलकम मेघा गोयल, गुड, राइट। तो इससे आपका लगा कि इस विद्यार्थी का नाम मेघा गोयल। अब ऋतु शुक्ला आप में से कौन है, मुझे नहीं मालूम, तो देखते कौन है ऋतु शुक्ला, तो लेट्स वेलकम ऋतु शुक्ला, कम ऑन, राइट। अब आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते, जैसा कि आपका पहला दिन है, तो आपने क्या किया, आपको पता लग गया ये ऋतु शुक्ला है। अब हमारे बीच में एक स्टूडेंट है जो राजेंद्र नगर ब्रांच से आई हैं भास्कर स्कूल की, तो हम उनका स्वागत करें, तो आइए हम उनका स्वागत करेंगे, लेट्स वेलकम अंजलि दोन, राइट राइट। तो आपने पूछा मेघा कि क्या हर बार क्या के साथ एम लगेगा? यस, प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट सिंपल हेल्पिंग वर्ब आएगा, और प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या आएगा, एम। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा, कहीं एम बाहर आएगा, कहीं डू बाहर आएगा, कहीं डज आएगा, लेकिन कब कब किस टेंस में आएगा ये सब आगे चलकर बताएंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, वंस अगेन आई वेलकम मेघा गोयल।